सुप्रभात बच्चों, मैं रश्मि शर्मा, ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी विषय की अध्यापिका डिजिटल लर्निंग के माध्यम से आज फिर से आपके बीच हूँ। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। वर्ण अर्थात अक्षर और विच्छेद अलग करना, अर्थात वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब सबसे पहला शब्द राजा। राजा में आप ध्यान देंगे र और ज दोनों व्यंजन हैं। बेटा, जो व्यंजन होते हैं उसमें स्वर शामिल होता है, जब हम उसे अलग करते हैं तो व्यंजन के साथ हलंत लग जाता है। अब राजा, राजा में देखिए र प्लस आ, र के साथ आ की मात्रा दी हुई थी तो हमने र के नीचे हलंत लगाया प्लस आ प्लस ज प्लस अ, क्योंकि ज के साथ भी आ की मात्रा दी हुई थी तो हमारा बन गया राजा। चांद, चांद में देखिए च पर जो है आप देखिए आ की मात्रा पर चांद बिंदी लगी हुई है तो च प्लस अ प्लस ज प्लस अ। स्वाद, स्वाद में देखिए स स्वर रहित है, जब कोई अक्षर स्वर रहित होता है तो उसके साथ स्वर शामिल नहीं होता, स प्लस व प्लस अ, व के साथ आ की मात्रा थी तो व प्लस आ प्लस द प्लस अ। छात्र, छात्र में देखिए प्र, प्र संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन हमेशा दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनता है तो त का हमारा होता है त प्लस र, तो छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस अ, त प्लस र हमारा त का है, त संयुक्त व्यंजन था इसलिए इसका बना त प्लस र। अमृत, अमृत में देखिए अ हमारा स्वर है इसलिए इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा और म, म के नीचे रि की मात्रा है तो अमृत अ प्लस म प्लस रि, रि क्यों आया क्योंकि म के नीचे रि था प्लस त प्लस अ। सुंदर, सुंदर में देखिए स के ऊपर हमारी बिंदी है तो स प्लस ऊ, क्यों क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा दी हुई है प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ। सर्प, सर्प में देखिए प के ऊपर जो है आधा र है, अब सर्प का जब हम उच्चारण करेंगे तो आप ध्यान देंगे तो हमारा जो है प से पहले र का उच्चारण हो रहा है सर्प, तो हम लिखेंगे भी इसी प्रकार से स प्लस अ प्लस र, र हमारा उच्चारण कहाँ हुआ है स के बाद और प से पहले इसलिए स प्लस अ प्लस र प्लस प प्लस अ। किसान, किसान में देखिए क पर छोटी की मात्रा है तो क प्लस ई प्लस स प्लस आ, क्योंकि स के साथ आ की मात्रा है प्लस न प्लस अ। बच्चों, मैंने आपको सभी प्रकार के वर्ण विच्छेद के उदाहरण करा दिए, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई है। धन्यवाद।